हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। लाडला, जुदाई, मिस्टर इंडिया जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में करने वाले अनिल कपूर की एक्टिंग जितनी लोगों के बीच मशहूर थी, वैसे ही उम्मीद उनकी बेटी सोनम कपूर से भी लोगों को थी। लेकिन सोनम के बयानों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो उनकी दिलचस्पी फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीति में है। उन्हें आए दिन पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते देखा जाता है। सोनम कपूर ने हाल ही में एक बयान दिया था कि भारत की महिलाएं उन्हें दोयम दर्जे वाली लगती हैं। उनके इसी बयान पर एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि सोनम ने उस देश के रीडर से ये बोला है जिस देश की महिलाएं हिजाब पहने बिना अपने घरों से बाहर नहीं जाती, बाल खुले छोड़ना तो दूर, वो सड़कों पर डांस भी नहीं कर सकती। तो उस देश के रीडर्स को सोनम कपूर ने भारतीय नारी के बारे में ऐसा गंदा बयान दिया। खुद को फेमिनिस्ट कहने वाली सोनम कपूर शादी के बाद अपना सरनेम कपूर से अहूजा कर देती हैं, वो ऐसे बयान दे रही हैं। यही नहीं, कुछ वक्त पहले पीएम मोदी के सोशल मीडिया छोड़ने वाले एक ट्वीट से चारों ओर सनसनी मच गई थी। लोग उनसे ऐसा ना करने की गुजारिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस पूजा बेदी ने इसे नोटबंदी से जोड़ते हुए कहा था कि मुझे हैरानी होती है अगर इसका मतलब है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हम सब भी सोशल मीडिया छोड़ दें। क्या लोकतंत्र पर खतरे के बाद अब सोशल मीडिया पर अगला बैन होगा? आप में से कितने लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर 1,000 रुपए के नोट की तरह सोशल मीडिया भी आपकी जद से बाहर हो जाए? पूजा बेदी के इस बयान को भी पायल रोहतगी ने निशाने पर लेते हुए सोनम कपूर पर जोरदार तंज मारते हुए कहा है कि सोनम कपूर की ही तरह एक दूसरी फेमिनिस्ट हैं पूजा बेदी, जो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी आगे जाकर सोशल मीडिया बैन कर देंगे, थ्रेटन डेमोक्रेसी के अंदर। ये वही पूजा बेदी है जिनकी माँ प्रतिमा बेदी ने अपने जमाने में जुहू बीच पर बगैर कपड़ों के दौड़ लगाई थी। इस पर पायल ने सोनम से उनके विचार मांगे हैं, क्योंकि सोनम ऐसा मानती हैं कि भारत में महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह समझा जाता है। अगर ऐसा होता तो सेकंड क्लास सिटीजन के पास इतने गट्स कहां से आ जाते कि वो अपनी आज़ादी दिखाने के लिए बीच पर बगैर कपड़ों के दौड़ जाए। इसके अलावा पायल ने ज़ारा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने वाले मुद्दे को भी उठाते हुए सोनम पर तंज कसा है। ज़ारा के लिए पायल कहती हैं कि उन्होंने अपना फलता फूलता करियर इसलिए त्याग दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने भगवान से दूर हो रही हैं। सोनम कपूर हिंदू प्रथाओं पर तो काफी विचार रखती हैं, ऐसे में ज़ारा वसीम को लेकर भी उन्होंने सोनम से उनकी राय मांगी है। अब देखते हैं भारत की महिलाओं को दोयम दर्जे की बताने वाली सोनम इन सब मामलों पर अपनी राय रख पाती है या नहीं। क्या था सोनम का पूरा बयान? सोनम ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण पर बात रखते हुए अपने ट्वीट में लिखा था कि मेरे लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं दुनिया के उस हिस्से से हूँ जहाँ महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। बहरहाल, उम्मीद करते हैं कि पायल रोहतगी के इस बयान के बाद सोनम की याददाश्त वापस आ गई होगी कि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज वो काम कर रही हैं ये इसी भारत की है जहाँ से उन्होंने नाम और शोहरत हासिल की है।